हेलो गाइस, कैसे आप? स्वागत है मैं आपका मेरी इस वीडियो के अंदर। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि अपन कैसे स्टार्ट करें स्टडी सीए फाउंडेशन जून 2024 एग्ज़ाम। मुझे पता है इस बार दिसंबर 2023 में बहुत से बच्चे रह गए हैं, लगभग 96,000 to 1 लाख बच्चे इस बार सीए फाउंडेशन दिसंबर 2023 एग्ज़ाम में रह गए हैं, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। इस बार का रिजल्ट मानो कि एकदम 30% चल रहा है, मतलब अगर 100 बच्चों ने एग्ज़ाम दिए उसमें 30 बच्चे निकले, तो आपको पता है कंपटीशन कितना टफ है। ठीक है, तो आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको है ना, आपकी तैयारी को एकदम मजबूत रखना है। और वो कैसे मजबूत होगी वो इस वीडियो में मैं बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले बताता हूँ मैं आपको, मैं सारे पॉइंट्स लिस्ट आउट कर रखे हैं पहले से। सबसे पहला पॉइंट है आपको को स्टडी कैसे करनी है और कहाँ से करनी है। जैसे आपको पता है कि अभी हर जगह बहुत से बैच चलाए जा रहे हैं, कोई फ्री में चला रहा है, कोई पेड बैच हो रहे हैं, कोई यूट्यूब से पढ़ रहा है। तो मैं आपको एक हार्श रियलिटी बता रहा हूँ हर चीज़ की। हार्श रियलिटी ये है कि भाई फ्री में तो सिर्फ अपन बिकते हैं, तब फ्री में से फ्री से कुछ नहीं होता भाई। आजकल करने वाले करते हैं मानता हूँ, पर फ्री में आजकल कुछ नहीं होता, पैसा सबका लगता है आजकल। अपने भी आपने देखा होगा, जब तक आप पैसे हैं तो आपको भी तो कुछ अजीब सा होता है यार, पैसे दे नहीं रहे ऐसे पैसे कुछ। अगर आप पैसे देते हो उस टाइम पढ़ते हो तो आपका भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ठीक है, तो आज सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि आपको स्टडी है ना, जहाँ से मैंने स्टडी की थी, मैंने भी सी ए फाउंडेशन दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम दिया था, जो मैंने पास कर लिया है। फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा। अगर आप मेरे से गाइड करते हो, एडवाइस मांगते हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अनअकैडमी ऐप से स्टडी की थी। ठीक है, जो कि बहुत ही नॉमिनल प्राइस में की थी मैंने स्टडी। ठीक है, मैंने क्लियर कर लिया, आप भी वहाँ से स्टडी कर सकते हो, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, जो रियलिटी वो बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप अभी वो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो कोड अपना है VLUSVTTBJ। अभी एक नया बैच लॉन्च किया है अकेडमी पर, महासंकल्प बैच जून 24 के लिए। ठीक है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको अगर फ्री में मतलब आपको कोई भी बैच नहीं लेना है, तो आपको मैं 3-4 यूट्यूब चैनल्स के नाम बताता हूँ। ठीक है, जहाँ से आप एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी कर सकते हो। फर्स्ट यूट्यूब चैनल का नाम है अनअकैडमी CA360 फाउंडेशन। ठीक है, नंबर सेकंड है अनअकैडमी CA फाउंडेशन प्रो। ओके, नंबर थर्ड ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी का चैनल है। ठीक है, और नंबर फोर है CA वाला भाई PW। ये 4 चैनल्स है जिसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट से स्टडी कर सकते हो अच्छी तरीके से। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं कि इस बार इतने बच्चे फेल क्यों हुए, फेल का कारण क्या है, कौन से सब्जेक्ट की वजह से फेल हुए, क्यों फेल हुए। वास्तव में मैंने अभी तक जितने भी रिजल्ट देखे हैं, ठीक है, उसमें मुझे पता लगा कि सबसे ज़्यादा बच्चा है ना, जो बच्चे वो फंसे किस में, 2 सब्जेक्ट में फंसे हैं। वो सब्जेक्ट है एक तो बिजनेस लॉ, ओके, और सेकेंड है मैथ स्टेट्स एंड LR, जो पेपर 3 है और पेपर 2। तो भाई बिजनेस लॉ में ऐसा देखा है मैंने, मेरा एक दोस्त है, ठीक है, उसके भाई साहब 320 मार्क्स आए थे टोटल में। ठीक है, अकाउंट्स में 100 आए थे, ठीक है, मैथ्स में भी 100, इको में भी 100, सिर्फ लॉ में उसके 30 मार्क्स आए, रह गया वो बच्चा, मैं दोस्त रह गया इस बार। तो इसलिए आपको तैयारी है ना एकदम ऐसे आई से ज़्यादा वैसे करनी है, 40% ई सब्जेक्ट और एग्रीगेट 200 का बनाना है। आपको ऐसे पीछे नहीं पड़ना एक ही सब्जेक्ट भाई ये पढ़ूंगा पूरे दिन, नहीं, एक टाइम टेबल रूटीन से चलना है। ठीक है, आगे की बात करते, ठीक, अगला है अपना, ठीक, रिविज़न प्लान का। रिविज़न भाई सबसे बड़ी गलती आप भी करी बच्चों ने इस बार, रिवीजन किया नहीं, सिर्फ वीडियो वीडियो देख रहे थे बच्चे यूट्यूब पे। मैंने बहुत बार देखा ऐसा, बच्चे सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे थे इस बार, ज़्यादा कर भी रहे थे, ये नहीं बोल रहा कोई नहीं कर रहा, कर भी रहे थे, पर ज़्यादा मैंने देखा कि बच्चे जो यूट्यूब पे वीडियो है उन पर ज़्यादा भरोसा कर रहे थे और सोच रहे थे कि उनसे हो रहा है मेरा, पर ऐसा होता नहीं। जब तक खुद से करने नहीं बैठते तब तक कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आप टीचर का वीडियो देख रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो बस उसको, जब तक आप खुद से इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला भाई। हाँ शिलेटिव बता रहा हूँ ये, आपको कोई और ऐसे बोल दे नहीं ऐसे फालतू बोल रहा, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा सब आपको देख लेना, सब कुछ मैं नहीं बोलूँगा, वो आप थोड़ा जज कर सकते हो। ठीक है, थर्ड सबसे बड़ी कमी करी बच्चों ने टेस्ट में, सच सच बता देना आप, सच सच बताना। अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस ली है, ठीक है, तो आपने कितने टेस्ट दिए, सच बताना, पर सच बताना। ऑनलाइन क्लास आपने ली भी थी दिसंबर के लिए, तो आपने कितने टेस्ट दिए थे, सच बताना, सच, झूठ मत बोलना।
अगर अपन ऑफलाइन सेंटर जाते हैं वहाँ पर टेस्ट होते हैं, उनकी तो बात छोड़ो, उनकी तो बात कर ही नहीं था मैं, ऑनलाइन वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ। सच बताओ कितने टेस्ट किए थे आपने? कितने? एक दो मुश्किल से। ऐसा नहीं करना, इस बार टेस्ट की कमी मत छोड़ देना। सब चला बच्चे टेस्ट सीरियस से जाते हैं, टेस्ट देते नहीं। आप खुद सोचो, आप ट्वेल्थ क्लास में थे, ट्वेल्थ क्लास में थे ना, उस टाइम आपने क्या किया था? कितने टेस्ट होते थे? फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेकेंड, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, फाइनल, कितने तैयारी करा देते थे अपन को। अच्छा, अपना टारगेट क्या रहता था? पास होना पड़ेगा था एग्जाम के अंदर, 90+ 80+ आने का रहता था। ये क्यों, ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप कैसे हुआ? ये हुआ टेस्ट की वजह से। तो आपको इस बार टेस्ट में कमी नहीं छोड़नी मेरे भाई, ठीक है? अगला एक बोनस टिप देना चाहूँगा आपको, ठीक है? अगर आपको टेस्ट वगैरह कहाँ से मिल नहीं रहे, कोई बात नहीं, नहीं मिल रहे कोई दिक्कत की बात नहीं है, परचेज भी नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, मेरे पास पड़ी है टेस्ट की बुक, ठीक है? अपना टेलीग्राम का चैनल है, नीचे लिंक दे दूंगा, उस पर आप मुझे बोल देना, मैं भेज दूंगा टेस्ट, ठीक है? पेपर सॉल्व करना, हो सके तो आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा, आपकी कॉपी चेक भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? इस बार देखो, इतना तो बात कर ही लिया अपन ने, उसके बाद मैं बोलना चाहूँगा आपसे कि जो बच्चे इस बार लो में रहे ना, लो में बहुत बच्चे रहे, क्या तो उन्होंने लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस की हुई, प्रैक्टिस करी नहीं होगी, ठीक है? बिजनेस लो में उन्होंने प्रैक्टिस करी नहीं होगी, करी तो बहुत कम करी होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने खुद ने कम से कम 300 रजिस्टर आते ना, 360 पेज वाले रजिस्टर, ठीक है? ऐसे दो रजिस्टर मैंने सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस से करे थे पूरे, बता रहा हूँ मैं आपको। पर आप ये सोच रहे हो कि हमारे यहाँ राइटिंग प्रैक्टिस कराते ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, मेरे जो टीचर है उनका वीडियो है, उन्होंने राइटिंग प्रैक्टिस कराई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा लिंक, जाके देख लेना, राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना, निकल जाओगे इस बार, ठीक है? इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को यहाँ पे ही स्टॉप करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए ऐसी वीडियो देखें, ठीक है? और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।